पुरुषोत्तम मोदी गोंदिया से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय आम आदमी रन बसेरा में बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। महंगाई से त्रस्त महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर भारी आर्थिक झटका दिया है। राज्य सरकार के इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार की दोपहर जयस्तंभ चौक पर राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। सत्ता में बैठी सरकार जनता से झूठे वादे कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों को आश्वस्त कर रही है। नतीजतन दिल्ली में 72% लोगों को शून्य बिजली बिल मिलता है। पंजाब के लोगों को 1 जुलाई 2022 से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार साहूकार है जो 10 रुपए से 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचती है। अब आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कड़ी मेहनत कर रही है। आम जनता को चुनौती दी जा रही है कि जनहित आंदोलन में शामिल होकर बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करे। बैठक में जिला समन्वयक उमेश दमाहे, जिला सचिव मिलन चौधरी, गोंदिया शहर अध्यक्ष किरण चीचखेड़े, नगर महिला अध्यक्ष प्रमिला उइके एवं अन्य उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर।